जा जा के इस बंदर के फ्रेंडशिप बैंड बांधना पड़ रहा है। कैसे दिन आ गए मेरे। बस कर यार, मुझे दे। ए, तू कौन सी सिगरेट पी रहा है? ला इधर ला। हाँ, कौन सी सिगरेट है? वही वाली। ए, मुझे भी देना, एकदम मारता हूँ, बहुत देर से सोच रहा। ओ लो, आ गई पूरी टोली बनाकर। तू ही जवाब देना भैया। देखो देखो कैसे बैठे हुए। इस साल का फ्रेंडशिप डे बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, ऐसा हमने प्लान किया हुआ था। आहा, और ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ब्लैक में टिकट लेके पिक्चर देखने के लिए बैठे हो। क्या कहा? ग्रैंड सेलिब्रेशन। हाँ भैया, दरअसल वो... तू चुप रहना, मैं बात कर रहा हूँ ना। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हम टेप को कट किए बिना उसे चिपकाने की कोशिश करते हैं, और एक तुम हो कि हमारी जेब काटने की कोशिश कर रही हो। कौन सी राशि है तुम्हारी? देखने से पता चल रहा है गोल ग्रह की राशि होगी। फ्रेंडशिप डे के दिन भी कोई झगड़ा करता है क्या? तो क्या ये कुछ भी कहेगा, हम चुपचाप रहेंगे। सुबह सुबह आकर तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो। तुम्हारे लिए जब सूरज निकलता है तब दिन शुरू होता होगा, लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है। हमारा अभी आ जाए बस इतना ही। अच्छा तो बहुत अच्छा है। अब तुम देख क्या रही हो? जल्दी जल्दी से बांधो ना। ए, तू अंदर जा। ए, 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 चल अंदर, चल अंदर। क्यों रही, अभी तक सामान बांधा नहीं क्या? जल्दी जल्दी बांधना, 7:30 तो कप के बज चुके हैं। बस बांध दिया है। अम्मी जान, ये अचार मैं बरेली लेकर जा रही हूँ। बानू को ये अचार बहुत अच्छा लगता है, क्यों है? और हाँ, बरेली में जाकर किसी के प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है? क्योंकि बरेली शहर में ऐसा होना आम बात है। लेकिन वो जो पढ़ाई करना चाहती है वो बरेली में ही है ना, हमारे यहाँ वैसा कॉलेज कहाँ। क्या बात कर रही हैं अम्मी जान, कल अगर उठकर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? बल्कि मैं तो चाह रहा था ऊंची पढ़ाई न दिलाकर हाथ पीले कर दिए जाएं। उसके लिए इतने सालों तक इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, उसकी पढ़ने की ख्वाहिश है, जाने दे उसे। लेकिन अम्मी जान। अरे ओ असलम। हाँ जी। उस घर से कॉलेज कितना दूर होगा? बस में अगर जाएंगे तो 15 मिनट लगेंगे अम्मी जान, पैदल जाएंगे तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मकान, मकान। घर की बात हो गई है, वो जो मकान है वो 2 मंजिला है। दो मंजिला मकान है, ऊपर की मंजिल में हम लोग जाकर रहेंगे और मकान मालिक नीचे रहेंगे। ये बताने की क्या जरूरत है? नीचे कौन रहते हैं? नीचे एक अकेली औरत रहती है। अकेली औरत? इसीलिए तो मना कर रही थी। हाँ हाँ, वो व्हील चेयर में ही रहती है। सुन रहे असलम, बानो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आनी जानी चाहिए। अगर मेरे कानों को इसके अलावा कुछ और सुनाई दिया तो मुर्गा जिबा करने जैसा तुझे जिबा कर दूंगा, ये याद रखना। बानो कहाँ है? गुड मॉर्निंग दादी माँ। हाँ, तैयार हो गई ना? जो कुछ मैंने कहा वो सब याद है ना? बस तू अपनी पढ़ाई करते रहना और हमारी चिंता मत करना, समझ गई ना? बानो, हमारे खानदान में घर से बाहर रहकर पढ़ने वाली पहली तुम हो, लेकिन याद रखना, अगर इज्जत पर कोई आंच आई तो मैं जान से मार देता हूँ। ए, इस तरह क्यों बोल रहा है? बाप है तो जो मन में आएगा बोलता रहेगा क्या? तू जा बेटी, अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज दादी माँ। खुदा हाफिज। अच्छा मैं चलती हूँ अम्मी। ठीक है बेटी। सुनिए, मैं अगली सीट पर बैठूंगी। हाँ। तू आगे बैठेगी तो ड्राइवर कहाँ बैठेगा? मेरे पास में ही बैठ जाएगा। मेरे होते हुए ड्राइवर के पास में बैठेगी? इसमें गलत क्या है? ए, तुझे क्या बैठना, ड्राइवर है सब जानता है, चल उतर। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। ऐसे घबरा क्यों रही है, क्या हो गया तुझे? वहाँ देखो ना,
इस शहर में भूत वगैरह होते हैं ना? भूत वगैरह? भूत भूत वैसे कुछ भी नहीं होता है, बरेली भी अपने गांव जैसा ही है। एक बात तो बताओ, हमारे शहर में तो पीपल में भूत रहते थे, मगर इस शहर में भूत लोग मुझे लगता है ऐसे पेड़ों पर रहते हैं। ये क्या कर रही है? एक काम करते हैं, पहले हम लोग घर में चलकर देखते हैं। क्यों, हमें देख के भाग जाएगा? ओहो चाची चुप रहो, चलो ना। चल आगे तू, चल। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सर नमस्ते जी, हम लोग सहारनपुर से आए हैं ऊपर की मंजिल पे किराए पे रहने के लिए। अरे ये क्या? ये क्या किया? मकान तो यही है ना, वो कुछ बोले बिना ही चली गई। मैंने उससे इसी घर के बारे में तो कहा ना। तुमने इस मकान के बारे में तो बोला ही नहीं। अरे कहा तो सही। ओ, तुमने कब कहा? सहारनपुर से आए हैं, बस इतना ही तो कहा। ए, चुप करना। क्यों, मैं क्यों चुप रहूं? ए चुप जा रे। अरे चुप जा रे। ओहो चाची ये क्या कर रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। सुनिए, मेरा नाम है जानकी और मैं हूँ बानू और ये मेरे चाचा हैं। और मैं तुम्हारा मैनेजर यहाँ पे आया था, फर्नीचर वगैरह सब डाल के गया है। लो ये चाबी ले लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना। ठीक है आंटी, चलिए चलते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मेरे घर की छत पे खड़ी थी, सोचा अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने हाय क्या कहा, धड़ाम से गिर गई। कहीं मर तो नहीं गई? हेलो एक्सक्यूज मी, मर गई हो क्या? हाँ, पता नहीं इसे क्या हो गया। अब मैं क्या करूं, ये अकेली आई है क्या? क्योंकि और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ए शरबत बनाया कि नहीं? जरा रुकिए ना, अभी लाती हूँ। ये क्या, ये आवाज कैसी है? अरे चाकू कहाँ है? इसे यहाँ रखती हूँ। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, नींबू का पानी, नींबू का पा ग्लास कहाँ गया? इन्हें इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है? ओहो इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है, तुम्हें क्या हुआ? अरे मैंने क्या किया? सब कुछ करके बोल रहे हो, क्या किया? चल जल्दी से उठ जा। उठो मैडम उठो। आई अभी धत तेरी के। हाय बोलते ही बेहोश हो जाती है। नींबू का शरबत पीना तो इनकी आदत सी बन गई है। ठीक है इसमें दूंगी। शक्कर कहाँ रखी है? पता नहीं शक्कर का डब्बा कहाँ है। हाँ ये रहा। हाँ ये क्या, ये ग्लास यहाँ वापस कैसे आया? नहीं 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 नहीं, ये ग्लास तो कोई ले गया था। यानी 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 हाँ चलो होश तो आया। अब मैं जाता हूँ, हाय वगैरह बाद में बोलूंगा। बाप रे मैं तो इस मकान में आके फंस गई हूँ रे। सुनिए हेलो, एक मिनट एक मिनट, मेरा नाम अभी है। या अल्लाह। अल्लाह नहीं अभी है। ओफो। कौन है भाई वहाँ? देखिए मेरा नाम अभी है,
मैंने उन्हें अपना नाम बताया, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। हाँ? हाँ? ओहो, हाँ? लगता है कोई मेंटल फैमिली है। हाय बोला तो लड़की बेहोश, हेलो बोला तो माँ बेहोश, नाम बताया तो बाप बेहोश हो गया। लगता टाइम ही सही नहीं है। अभी क्यों रे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, ये तो ऐसे जा रहा है जैसे इसने अंदर भूत देख लिया हो। इसीलिए मैंने पहले कहा था ना कि रस्सी पकड़कर कसरत करके ऊपर जाना अच्छा नहीं है। इंसानों का काम छोड़ के बंदरों का काम क्यों करता है? उफ़ राधा ही, तू चुप कर। अरे मेरे चुप होने से क्या होगा, पिछले हफ्ते सामने के घर में से इस अभी को देखकर, पता नहीं क्या देखकर उसने हमारे घर फोन किया था ना, जरूर कुछ बात कही होगी। उसने फोन किया था ऐसा बोलने के लिए नहीं। ओहो, देखो तुम्हारा बेटा क्या बोलता है। क्या हो गया, सामान वगैरह लेकर आ गए हो? हम लोग आपका ये घर खाली करके जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने ऐसा कौन सा धोखा किया? और नहीं तो क्या, जब हम घर में आ रहे थे तो भूत वाला वो पेड़ देखकर मुझे जिस बात का डर लग रहा था वही हो गया, क्योंकि इस घर के अंदर भूत है। क्या भूत है घर के अंदर? मैंने उसको पैर देखे और मैंने उसका चेहरा देखा और मैंने तो उसे पूरा का पूरा देखा। उस हट्टी कट्टी भूत को तो देखकर मेरे ये शोहर है ना, इनकी भी बोलती बंद हो गई। हाँ, उसने अपने पैरों में काले रंग के जूते पहने हुए थे। हाँ, मैं टेरेस पे खड़ी हुई थी तब वो रस्सी पकड़ कर ऊपर आया। रस्सी? ओ अभी इसी को तुमने देखा था ना? वही पैर, वही पैर, वही पैर। ये भूत इस घर में क्या कर रहा है? ये मेरा बेटा है अभी। क्या? तुमने कहा था ना वो रस्सी पकड़कर ऊपर आया, वो रोजाना कसरत करने की इसकी आदत है। अभी ऊपर की मंजिल पर किरायेदार आने वाले हैं, मैंने कहा था ना ये वही है। अब तो तुम्हें कोई डर नहीं है ना? क्या है? कोई डर नहीं। ठीक है, अब हम हिम्मत के साथ ऊपर रहेंगे। ऊपर कहाँ? कमरों में। हाँ, कमरों में। छत में नहीं। तरह की हरकत करता रहता है। मैंने तो सिर्फ हाय कहा था माँ। मुझे क्या पता था बेहोश हो जाएंगे। हमारी इस क्लास का रिजल्ट 100% होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? इंटरेस्ट जगाना होगा। और इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना होगा? आपके बदले ऐश्वर्या आनी चाहिए। ओह, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन। कई दिनों से तुम दिखाई नहीं दी। कहाँ गई थी? क्यों, किस लिए? अजीत का बर्थडे था। एक हफ्ते तक। अबे सर, आपने बुलाया? बुलाया ना, इसलिए कि इस वक्त तुम कहाँ घूम रहे हो? बेल बज गई तो क्लास में जा रहा था। तुम वैसे क्लास में जाके करोगे क्या? नहीं जाऊँ तो फिल्म देखने जाऊँ। हाँ, रुको ना भैया, दरअसल मैंने इसलिए आवाज़ दी कि इस साल तुम कॉलेज में कौन सा सेलिब्रेशन करने वाले हो। तुम चाहे जो भी सेलिब्रेशन करो वो आकाश में उड़ना चाहिए। सबको फ्लाइट की टिकट दिला दो सर, देखना आकाश में उड़ेंगे। तुम चुप रहो ना। दरअसल इस साल यहाँ की कमेटी ने प्रोग्राम का इंचार्ज मुझे बनाया है। मर गए रे। जो प्रोग्राम है वो ग्रैंड सेलिब्रेट करने के बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल मैं बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक काम करो, प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, उसे कैसे करना चाहिए, अच्छी तरह से सोचकर बता देना। हमने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है सर। तो तुमने क्या डिसाइड किया है? सर, टीचर्स डे, कॉलेज डे, फ्रेंडशिप के अलावा मदर्स डे भी होता है और ये कोई भी कॉलेज ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं करता है, इसलिए हम लोग हमारे कॉलेज में ग्रैंड से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अरे भाई, जैसा आपने कहा, हमारे कॉलेज का नाम आकाश में उड़ने लगेगा। आकाश में उड़ेगा ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे भी तो बहुत सारे खर्च होंगे ना। और नहीं तो क्या, आपने क्या समझा हम लोग चंदा वसूल करके करेंगे? ऐसी बात नहीं है, प्रिंसिपल मानने चाहिए ना। हाँ, तुम एक काम करो, तुम खुद प्रिंसिपल के पास जाकर प्रोग्राम एक्सप्लेन करके खर्चा बता दो। उनसे जाके बताऊँ? आप भी है ना, हमारा TA, DA, कॉफी का खर्च, सिगरेट का खर्च, अगर उनसे जाके बताया तो वो मना कर देंगे।
इसलिए हमने आपको भी नहीं बताना चाहा। इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? प्रोफेसर से किस तरह बात करते हैं इसकी तुम्हें तमीज नहीं क्या है? क्या बात है तुम इस आप तरह? चुप रहिए सर, मैं भी बहुत देर से देख रही हूँ, किसी से मजाक करने की भी एक हद होती है। ये क्या कह रही हो? चुप कर, मुझे लगता है हर किसी से मजाक करने की तुम्हारी आदत है, समझते क्या हो अपने आप को? अभी ये ऐसे क्यों बोल रही थी, तुम इसे जानते हो? ये हमारे घर के ऊपर किराए पर रहने आई है। ऊपर? ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर सर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हमारे कॉलेज में। दरअसल हुआ ये कि मैं बाहर एक्सरसाइज कर रहा था, वो टेरेस पे थी ये मुझे नहीं पता था। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पता नहीं था कि मैं ऊपर आ रहा हूँ। उसने अचानक मुझे देखा और गिर के बेहोश हो गई। प्लीज। उसके बाद क्या हुआ? आएगा प्लीज, जब चलने की औकात नहीं है तो आंखें खुली रखनी चाहिए ना। तुझे उठाने के लिए तेरा नौकर हूँ क्या? जा अपने घर जा, यहाँ पढ़ाई करने से तेरा कुछ नहीं होगा, घर जा। ऐसे देख क्या रही है बड़ी आई। ए, क्या हुआ है? मुझे क्या पता, बस उसे मार रहा है वो। चलो चल के रोकते हैं। हाँ, चलो चलो, चलो। सॉरी सिस्टर। पिक्चरों में पुलिस वाले कब आते हैं? सब खत्म होने के बाद। सही कहा, ठीक वैसे ही हमारे प्रिंसिपल आ रहे हैं। दरअसल इसमें अभी की कोई गलती नहीं है। देखना वो कहेंगे, क्यों रे क्या हुआ, क्यों इसे मार रहे हो? क्यों रे क्या हुआ, क्यों इसे मार रहे हो? उसी से पूछ लो। तूने उस लड़की को क्यों मारा? एक अपाहिज लड़की जा रही थी, वो बेचारी गिर गई, उठने के लिए सहायता मांगी तो वो लड़की को धमकाने लगा और मुझे उस पर गुस्सा आ गया, इसीलिए उसे मारा। बेचारी उस लड़की को देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई माँ। सिर्फ वही लड़की नहीं माँ, किसी भी हैंडीकैप को कोई बुरा भला कहेगा तो मुझसे सहन नहीं होगा। उसे इतनी बुरी तरह से मारा वो हमेशा याद रखेगा। तू जो कह रहा है वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी लगी चोटों को देखकर उसकी माँ भी परेशान हुई होगी ना। तो होने दो, उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, ये उसकी माँ की गलती है। मैं किसी को ऐसा बोलता हूँ नहीं ना, वो इसलिए कि तुमने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, सब लोग तुम्हारे जैसे होने चाहिए माँ। क्या बात है माँ, रो क्यों रही हो? किसी बेटी को जन्म देना काफी नहीं होता है, उस जन्म का अगर बेटा सम्मान करे तो माँ का जीवन सार्थक बन जाता है।
माँ और बेटे का वेदांत और सिद्धांत खत्म हो गया हो तो खाना बन गया है, आके खा लो। माँ अच्छे सेंटिमेंट में आकर आंसू बहा रही थी, एकदम से बीच में आके टपक गई। ये और कुछ नहीं, हमारे प्यार से तुझे जलन होती है। ये सब क्या है? जब देखो इस तरह की हरकत करते रहते हो, मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? hey, मुझे भी क्या दूसरों की तरह समझा है? और नहीं तो क्या, मैं भी रोज का रोज देख रही हूँ। कॉलेज में तुम किसी को भी मारते फिरोगे, वैसे मेरे साथ भी करोगे। तू अपने आप को समझती क्या है? तुझे सताने के अलावा मुझे कोई काम नहीं है क्या? चल जा, बाज आ जाओ, नहीं तो मैं क्या करूँगी मुझे खुद भी नहीं मालूम। क्या मेरे साथ तू कुछ करेगी? अरे जाना, पहले ये फैशन ड्रेस के कपड़े उतार के चेंज कर ले, ऊपर से ये प्लास्टिक की क्लिप लगा रखी है। अभी? हाँ माँ। बैंक मैनेजर ने फोन किया था। अच्छा, इतनी हिम्मत उसकी? मैं बोल दूंगा आपसे फोन मत करना। ए, तू चुप रहना, तुम्हारा एफडी अमाउंट मैच्योर हो गया कह रहा था, उसका आप क्या करें बेटे? इसमें मुझसे क्या पूछ रही हो, मैं क्या जानूं? अरे वो तेरे पैसे जो हैं। देखो माँ, वो तेरा पैसा मेरा पैसा बोलोगी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वो पैसे पिताजी के हमारे लिए हैं, तेरे पैसे मेरे पैसे इस तरह से मत बोलो। जब देखो यही बोलती हो। हाँ, तू क्या देख रहा, जा। अच्छा बाबा ठीक है, बेकार में गुस्सा मत हो। तो ऐसी बात क्यों कही? दरअसल बात ये है, उन पैसों से तेरे लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। क्या खरीदना है? कपड़े। कपड़े तो पहले से ही बहुत हैं, और कपड़ों को संभालने के लिए राधा आई भी तो है। हाँ है ना, तुम्हारे कपड़े धो धोकर मैं मोटी हो गई हूँ। देखो माँ जी, अगर तुमने उसे और कपड़े दिलाए तो फौरन मेरी पगार सेटल कर देना और मैं फौरन घर से निकल जाऊंगी। अरे रे 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 रे, घर में इतने सारे कपड़े भरे हुए हैं कि एक ट्रक भर जाएगा, ऊपर से उसे और कपड़े दिलाने की सोच रहे हैं। सुन लिया ना माँ, इसीलिए मैं कपड़ों को मना कर रहा हूँ। वैसे मैं चाह रही थी कि तेरे लिए बाइक खरीदूं। क्या बाइक? बाइक भी नहीं चाहिए? बाइक के लिए कोई मना करेगा क्या? सामने हो तो अभी चला के जाऊंगा। उफ, पहले जाके नहाना। ओके। ये रस्सी से चढ़ के ऐसे कौन से एक्सरसाइज करता है, मैं भी वो आज करके देखता हूँ। अरे सुनिए, वहाँ क्या झांक रहे हो? यहाँ भी गंदी हरकतें शुरू कर दी क्या? हैं? बाइक मेरी ऐसा क्या देख रहे थे? छोड़ो मुझे, अभी जाकर देखती हूँ। अरे चाचा क्या हो गया, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उस लड़के को नहाते हो बिल्कुल मत देखना, तू अंदर चलना, तू क्या देखने जा रही है? तुझे समझा रहा हूँ मैं, चलना। ऐसा क्या देखा इन्होंने? बाइक रे बाइक, बाइक मेरी बाइक, बाइक बाइक मेरी बाइक बाइक। आ जाया हूँ पहाड़ के नीचे। बाइक रे बाइक, बाइक मेरी बाइक, बाइक बाइक मेरी बाइक बाइक। बल्ब एकदम से चमका? बल्ब एकदम से नहीं चमका है। बल्ब भी तो चमका था। ये चमका था। हा? ये हा? अरे बाप रे, चेहरा नहीं पूरा फोटो खींचा है। माँ, माँ। अरे मैं तो यहाँ हूँ। तो बोलना चाहिए था ना। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे। अभी अभी क्या है, क्या है? ये ले बेटे, ये ले बेटे दूध। बाकी का तुम पी लो। हाँ, ये क्या कह रहे हो, ये पीने के लिए तुम्हारी पत्नी हूँ क्या? अरे नहीं, मेरे लिए पत्नी, पति, बाप सब तुम ही हो। पत्नी, पति। मेरी साइकिल। माँ क्या हुआ, मेरी साइकिल कहाँ है? वो तो बेच दी। क्या बेच दी? किससे पूछ के बेची? साइकिल मेरी है कि तुम्हारी? साइकिल के बिना कितनी तकलीफ होती तुम्हें क्या पता? ओहो, कॉलेज जाने के लिए साइकिल को साफ करके रखा हुआ था, अब कॉलेज में कैसे जाऊंगा? साइकिल तो है नहीं, चाबी का मैं क्या करूंगा? बाइक की। hmm.
बाइक। क्यों अभी बाइक नहीं ली है क्या? अरे हाथ हटाना। हा? हटाना, क्या कह रहा था? बाइक नई खरीदी है क्या? तुझे क्या पुरानी दिख रही है? गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या नई बाइक है, यही तो पूछा। पैर हटा। क्यों रे, नई गाड़ी खरीदी इसलिए इतना बोल रहा है? हाँ, हाँ। कंपनी वालों ने कहा है कि बाइक को अपनी दुल्हन की तरह रखना चाहिए। ओ। अभी चल एक राउंड लगा के आते हैं। ये बाइक है, कोई लॉरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, नहीं तो लगेगा चूहे के ऊपर गणेश जी बैठे हैं। वैसे लॉरी से अच्छा रहेगा रोड रोलर पे बैठे। चुप करो, लड़कियों से ऐसे बात करते हैं क्या? हाय। हाय। अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो और ये चुपचाप क्यों है? ऐसा क्या हो गया? इसमें समझने की शक्ति जरा कम है, बेकार है। तुमने मेरे भाइयों को देखा है? उनके सामने ये कैसा लगता है? इसके भाइयों की बॉडी देखता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है। ओहो, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? थोड़े दिन अगर जिम जाएगा तो तेरी बॉडी भी बन जाएगी। हाँ, वैसे तो मेरे अंदर जिम ट्रेनर है, वो फीस नहीं लेते हैं, इसलिए मेरे भाई रोजाना वहाँ जाकर कसरत करते हैं। तुम्हारे अंकल जिम ट्रेनर है क्या? हाँ, मिलिट्री से रिटायर्ड होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था ना, इसीलिए। देख लिया, ये तो बहुत डेंजरस फैमिली है भाई। अगर ये बात मैं पहले जानता तो मैं इसे लाइन ही नहीं मारता। ए, तू इसके बारे में चिंता क्यों करता है? सुन, कल से काम कर, जिम जाना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तुझे जैसी ट्रेनिंग चाहिए मैं दूंगा। और सुन, दरअसल बॉडी से कुछ नहीं होता है, एक्टिव होना चाहिए। सोच क्या रहा है यार, वो हमसे मिलने के लिए आ रही है। चल यार, अपन लोग चलते हैं। अरे काय को यार, तू यहाँ से चलना यार, सीधे कैंटीन चलते। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से किसी के घर के पास हैंडलूम की दुकान होगी क्या? क्योंकि मुझे एक टॉवल की जरूरत है। टॉवल? टॉवल किस लिए? आज स्नान नहीं किया क्या? मेरे लिए नहीं। वो दरअसल हुआ ये, हमारे घर के पास एक लड़के के पास कपड़े ही नहीं है, बिल्कुल नंगा है। ओहो, ये पता नहीं क्या बोलने जा रही। चलो यार, बदन के ऊपर कपड़े नहीं थे। चल मैं तुझे अपनी बाइक पे घुमा के लाता हूँ। अरे छोड़ ना, खटारा बाइक पे कौन बैठेगा? वहाँ किसी के बदन पे कपड़े नहीं है और तू है कि कौन है वो? तुमको भी दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया फोटो है। इसकी फोटो मत देखना। अरे यार चलो ना यहाँ से, पहले कहाँ जाएंगे? मैं जरा फोटो देख कर आती हूँ। तुझे बाइक पे राउंड चाहिए था ना, चल चल आजा। फर्स्ट फोटो। ओहो। सुनो, तुमको क्यों टेंशन हो रहा है? तुमने तो कपड़े पहने हैं ना। मैं तो उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ जिसको मैं टॉवल प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मुझे टॉवल प्रेजेंट करने वाली? उसने कब कहा तुझे टॉवल प्रेजेंट करने के लिए? किसी के बदन पे कपड़ा नहीं है, उसे टॉवल देने के लिए बोल रही है। मैं कोई और दिखता हूँ क्या? तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरे बारे में बोल रही है क्या? मैंने कब कहा? सुनो, घर की बातें कॉलेज में बोलना बहुत गलत होता है, इट्स नॉट राइट। आहा, और तुमने क्या किया? मैं जो बेहोश हो गई थी उसके बारे में तुमने सबको कहा, उसके लिए मैंने भी ऐसा किया, इसमें गलत क्या? ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। एनीवे, आई एम सॉरी, वी आर फ्रेंड्स, ओके? ए, तुम लोग चलो 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 यहाँ। चला चला चला, सबको इसी के ऊपर डाउट है। जरा दिखा तो वो फोटो। कहाँ? फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है, लेकिन तू तो बोल रही थी कपड़े नहीं पहने, फोटो है। ये अलग कहानी है, बाद में बताऊंगी। दरअसल ये सच है कि कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन दिखने में अजीब सा लगता था वो। कौन था वो? मिस्टर नांगा बाबा। ए, जाना। ठीक है ठीक है, ये मुझे मिस्टर नांगा बाबा बोल। जी, हाँ, तुमने अपने बेटे को बाइक देकर बहुत बड़ी गलती की है। ओहो, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब होगा, देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं निकलेगी। हाँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। इसे छोड़ो और ये पकड़ो, तुम माँ की मालिश करो, खाना मैं बनाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है, तू खाना बनाएगा, वो भी किचन में आकर? बेकार के सवाल करना बंद करो, पहले तुम जाओ यहाँ से। ए, अभी ये तो क्या कह रहा है? वही माँ जी, वो अब होगा, मैंने कहा था ना, उसी की शुरुआत है। तुम्हारा बेटा जरूर किसी लड़की को लाइन दे रहा है, इसीलिए ये हम सबको मक्खन लगा रहा है, मक्खन। मैंने किसे जाके लाइन मारी, ये तुम क्या बोल रही हो? यार मुझे कौन बोलेगा, मर्द होकर तुम खाना बना रहे हो, क्या ये ठीक है? राधाई, आज से 25-30 साल पहले एक फिल्म आई थी, जब राजेश खन्ना से पूछा तो पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? बात तो अच्छी है, कहा किसने था? उन्होंने खुद। उन्होंने ये कहा था, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी ये मूछे कहाँ गई? अरे वो टेढ़ी हो गई थी, पूरी काट दी। खाना बनाने का मूछों से कोई संबंध नहीं, तुम जगह खाली करो। अच्छा ठीक है, सब तैयार है ना? जब खाना तैयार है तो हम भी तैयार है।
ये तो खाने में ही रहता। ठीक है, आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। भैया ज्यादा जूस मत पीना, ऐसा ना हो कि हाजमा खराब हो जाए। मैंने क्यों ये पार्टी अरेंज की है इससे आश्चर्य मत होना। ठीक है ठीक है भाई, तुम सब तो जानते हो ना, ये हमारी राधा आई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसीना बेगम। इसमें गलत क्या है, बोल रहे हो? दरअसल जब मैं पैदा हुआ था तब से ये यहाँ है, और तब से ये यहाँ दो ही काम करती आई है, हमारी सेवा करना और प्यार लुटाना। इनके काम की तो हम तनख्वाह देते हैं, लेकिन जो प्यार लुटाती है उसके लिए क्या दें, उसकी कोई कीमत नहीं, इसलिए हम सब लोग इनके कर्जदार हैं। ये तुम सबके सामने बोलकर मैं कुछ जताना नहीं चाहता हूँ। टुडे इज अ स्पेशल डे, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए इस खुशी में तुम सब लोग भी शामिल हो, ये मेरी इच्छा है। स्पेशल डे क्या है पता है? आज इनका बर्थडे है। अभी काश तुझे मैंने जन्म दिया होता, लेकिन मेरे होते तूने खाना क्यों बनाया? मैं और किसके लिए करूंगा, तुम भी तो मेरी माँ हो। ए, रो नहीं रो नहीं रो नहीं, कमान कमान कमान, लेट्स सेलिब्रेट। ओके यस। ए क्या कर रहे हो, ला मुझे दो, मैं डालता हूँ। पुलाव बढ़िया है ना? बस बस बस, बस। आराम से खाओ, थोड़ा सा और लोगे? नहीं बस इतना खाओ। ए क्या कर रही हो, खाना नहीं खाओगी? एक काम करो, तुम शुरू करो, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू मेरे अरे पास पेट भर के खाना। अरे वो मोटू खड़ा उसके पास जाना, मस्ती से खा के मोटा हो जा। अरे उसके सारे भाई बॉडी बिल्डर है। हाँ? मैं बाद में मिलता हूँ। अरे जाना जाऊँ, अबे जा। अभी मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ करो ना। सुपर्ब। क्या मतलब पार्टी? राधा आई का जो सम्मान किया, ग्रेट, इट्स सिंपली टचिंग। राधा आई वैसे बहुत बातें करती है ना? हाँ सही कहा। एक्सक्यूज मी। क्या वो कह दिया? क्या क्या कह रहा है? क्या कहा? वही कह दिया ना। अरे क्या कहा? क्यों तूने उससे कुछ नहीं कहा क्या? नहीं तो उससे मैं क्या कहूँ? वो सब कहानी छोड़ो, उसकी बात करने की स्टाइल से ही हम समझ गए, डेफिनेटली उसने आई लव यू बोला होगा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राधा आई के व्यवहार के बारे में अप्रिशिएट कर रही थी और कुछ नहीं। उस पर उसने क्या कहा? थैंक यू कहा। क्या तूने बस खाली थैंक्स कहा? क्या कहा, इसमें गलत क्या है? वैसे इसमें कुछ गलत क्या है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही कहता ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो खुल के ज्यादा बात नहीं करता है। तू कभी भी खुल के बात नहीं करता है, वही तेरी प्रॉब्लम है। मैं समझा तू अपना लव बताने के लिए गया है, लेकिन तू एक की खाली उसे देखकर ही वापस आ गया। क्या देखूंगा, मैंने उस तरह से कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया, आई थिंक ही लाइक्स यू। क्यों लाइक करता है पता नहीं, लेकिन लाइक करता है। तू एक काम कर, उसे अकेले में ले जाकर तू खुद बोल देना। मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे लगता है वो कुछ पर्सनल बात करने के लिए आ रही है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, मिस मत करना। जा जा और जाकर उससे कह देना याद से। यस गो, जल्दी जा। कुछ भी करके अपना लव से बता देना, हम लोग उसके लिए तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहे हैं। गुड लक गुड लक। प्लीज। हेलो, पार्टी कितने बजे खत्म होगी? सबके खाना खाने के बाद। तुमने खाना खाया? बाद में खाऊंगी। पार्टी खत्म होने के बाद मैं जरा तुमसे मिल सकती हूँ? लेकिन थोड़ी देर होगी ना। कोई बात नहीं, टेरेस। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा टेरेस पे वेट करूंगी। ओके ओके, वहीं पे खाऊंगी। टेरेस में? हाँ हाँ हाँ, मैं टेरेस पे ही तुम्हारा वेट करूंगी। ओके ओके। एक्सक्यूज मी, कह दिया ना? नहीं। हाँ? उसने मुझसे टेरेस पे मिलने को कहा है। टेरेस पर? वो भी इतनी रात में और दोनों अकेले? तू तो लकी है यार। लकी वकी कुछ नहीं, खाना खाने के लिए। यानी तू नहीं जाएगा? देखते हैं। Thank you.
वो मेरा वेट कर रही होगी। लेकिन बारिश में करेगी? नो चांस। बानू, हे बानू, बानू, काफी हाई फीवर है, ये टैबलेट्स लाके खिला देना, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर को बाहर छोड़कर दवाइयां लेके आ जाता हूँ, तब तक तू इसके लिए काढ़ा बना दे। ए, तू कहाँ जा रहा है? चल इधर, थोड़ी देर यहाँ बैठो, जरा इसका ख्याल रखना। हाँ, मैं अभी आती हूँ, कभी वो जाग जाए, ठीक है? बानो, बानो, I'm sorry। रात मैंने इंतजार करवाया। दरअसल पार्टी में ये हुआ कि उस स्वाति के साथ कुछ ज्यादा देर बात होने लग गई थी, उसी की वजह से मैं छत पे आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, छोड़ो ना, लेकिन मैं खुश हूँ। क्यों? मैं नहीं आया इसलिए? कम से कम अभी तो आए, इसलिए तुम मेरे लिए यहाँ वेट कर रहे हो। चलो, अल्लाह का शुक्र है, अभी तू तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया, वक्त पर डॉक्टर को बुलाकर ले आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इसके अब्बा जान हमें तो जिंदा नहीं छोड़ते। आते समय उन्होंने हमें बहुत समझाया कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो तुम लोगों को ऐसे ज़िबा करूँगा जैसे मुर्गा ज़िबा करता हूँ। हम तेरे ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे कोई बात नहीं, छोड़िए ना, नो प्रॉब्लम, मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। अच्छा ये बता, आधी रात में छत के ऊपर तू किससे मिलने गयी थी? अपने हीरो से। हैं? हीरो? उसे तुम नहीं जानती हो? आ, आ, मैं उस हीरो को नहीं जानती। वो रात में ऊपर छत पे आया था और उसने मुझे जोर से बाहों में भर लिया था। ए, 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 ए। हाँ? रुक जा। हे अल्लाह, इसकी बुखार की तो कुछ और ही वजह है, सबसे पहले उसके बारे में सोचना होगा। सुनिए, पूरा कॉलेज हम लोगों ने छान मारा लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो वहाँ बैठा है। ये तो यहाँ बैठा है। ए, तू यहाँ क्यों बैठा है? पिक्चर की टिकट आ गई है, चल पिक्चर देखने चलते हैं। नहीं यार, तुम चलो ना अभी। हाँ? नहीं चलोगे? जाओ, ठीक है, हम लोग जाते हैं। ओके, बाय। पता नहीं क्या हो गया, उदास बैठा है। हाय। हाय। अब कैसी हो? अब बेहतर है। ओ, चलो अच्छी बात। तो सुनो, बेहतर है, बुखार कम हो गया। बिना छुए जान लिया? हाँ? मैंने छुआ नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उतर जाएगा। छूने से डरते हो, सच कहा ना? हाँ? ए, डर? छे, मुझे? क्या बुखार है? पता नहीं। अब उतर गया है। हाँ? हाँ सही कहा, मैं खुद यही बोलने वाला था, अच्छा हुआ तुमने बोल दिया। कॉलेज कैसा है? क्या कॉलेज? कॉलेज तो एकदम सही है, लेकिन वो क्या है कि तुम्हें बुखार है, तुम घर पे हो, ये जानकर वहाँ पे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। कॉलेज के अंदर सभी जगह
वो जहाँ तुम अक्सर जाती हो कॉरिडोर में और उसके बाद क्लासरूम में, वहीं जहाँ तुम आओगी सोचकर इंतजार करता हूँ। छह, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। वैसे और क्या बात है? और क्या, हाँ कुल मिला के कॉलेज खाली खाली सा लगा। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कॉलेज खाली है या तुम्हारा मन खाली है? मन खाली है। छे छे छे, नहीं कॉलेज। ओके बाय। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ यस, कॉलेज खाली नहीं था, ये मन खाली था। यार समझ में नहीं आता एग्जाम में पास कैसे होंगे। कॉपी करके पास हो जाएंगे ना। हाय हाय। अभी जब तू बानो के साथ चलता है तो बड़ा स्टाइल में चलता है, तुझे देख के जलन होती है यार। देख पराई अमानत, परेशान ना हो, खुदा तुझे भी देगा। चुप नहीं रह सकता। अच्छा सुनो, तुम लोग प्यार के बंधन में बंध चुके हो, डुएट वगैरह भी गाते हो, उसके लिए ट्रीट होनी चाहिए ना, बस इतना ही। अरे तू भी यार बस, ये हम लोगों को छोटी मोटी पार्टी देकर मामला सटका देगा। हमें वैसा कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया खाना होना चाहिए। उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिरयानी बना के खिलाऊंगी। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इंसानों का पेट भरने के लिए जो तुम बिरयानी बनाती हो उसके लिए जीव हत्या तो गलत बात है ना। करेक्ट। इसके लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, माय स्टमक इज नॉट अ बरियल ग्राउंड फॉर डेड एनिमल्स। हमारे शाम को कोई कैंपस में मार रहा है। कहाँ? एसटीडी बूथ के पास। ठीक है चलो। हाय, उसके साथ बात करना तो दूर, अगर तूने देखा भी तो तेरा कद ऊपर से 1 फीट कम कर दूंगा, समझ में आ गया? भैया छोड़ दो इसे प्लीज, इसे मत मारो। एक मिनट, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो और उसे क्यों मार रहे हो? इस कमीने को लव करने के लिए मेरी बहन मिली क्या? ठीक है ठीक है। स्वाति क्या तुम इससे प्यार करती हो? घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत से बोलो, क्या प्यार करती हो? देख लिया दोनों प्यार करते हैं, छोड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन हूँ ये बताने की क्या जरूरत है? कॉलेज कैंपस में आकर गुंडागर्दी करना अच्छी बात नहीं है। अगर करूंगा तो क्या कर लेगा? अगर तुम ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूं? अब क्या है, तुम इसे मारना चाहते हो? हाँ मारूंगा। तो ठीक है मारो। अभी तू चुप रहने यार। अरे मारो ना। क्यों रे, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? जी हाँ चैलेंज करता हूँ, उस पर अगर एक खरोज भी आ गई ना। दिमाग घूम रहा है। ए, रुकना, तू क्या चाहता है? उसे तो मार नहीं सका, मुझे मारेगा? मारेगा मुझे? सच में मारेगा? मार, मार। Oh,
ये क्या पुलिस वाले आ गए? बाप रे, सही कहा था। किसने क्या कहा था? चंदन ने, पुलिस को मैंने ही बुलाया। तूने बुलाया था? हाँ, सेफ्टी के लिए। मारो इसे, मारो इसे, मारो, 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 मारो। ये सब क्या है? तुम कॉलेज में आते हो पढ़ाई करने के लिए या गुंडाइज्म करने के लिए? इसमें अभी की क्या गलती है? कोई मारेगा ये देख के चुप रहेगा क्या? तुम चुप रहो। उसने कॉलेज के अंदर आकर स्टूडेंट को मारा, गलाटा किया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? अपना काम करो ना। सही कहा ना? अरे वाह, क्या बात है, जोरदार बोलती हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई लड़की जब इस तरह से बात करती है तो दो वजह हैं। एक, अगर उसकी आबरू लूट जाए, और दूसरा, अगर वो किसी से प्यार करती हो। इनमें से कौन सा है? प्यार करती हो? हाय, हाँ, लव करती हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, हम दोनों प्यार करते हैं। हमने तो शादी करने का भी फैसला कर लिया है, क्यों है ना? क्या मेरठ की हो क्या? नहीं, सहारनपुर की। सहारनपुर की? वहाँ पे घर कहाँ है? सब्जी मंडी की गली में। बाप का नाम क्या है? मोहम्मद खान। यानी अब्दुल गफार खान का बेटा मोहम्मद? जी हाँ। देखो, ये पहली बार है इसलिए सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, समझ गए ना? राम प्रसाद। यस सर। इस लड़के का नाम और पता लिख लो। ठीक है सर। जाओ, तुम लोग भी सब जाओ। नाम क्या है? अभी, अभिषेक। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी नहीं है, माँ का नाम जानकी सुदर्शन है, लेट एसीपी सुदर्शन की छोटी बहन। एड्रेस क्या है? नंबर 8 14 क्रॉस सदाशिव नगर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अरे कमबख्त, कहाँ चले गए सबके साथ? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तू कौन बोल रही है? अरे खान साहब, आप हैं? मैं हूँ सैफ अली, बरेली से। तो तू है सैफ अली? क्यों बे, कैसा है? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन खान साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल आपके अब्बाजान जैसे ही लग रही है। ए, ये चापलूसी करना बंद कर, तूने फोन क्यों किया ये बता। उसके लिए मुझे बख्शीश देंगे ना? अबे ओ कमीने, जो बोलना चाहता है पहले वो बक। पूरे 25 साल पहले तुम्हारी बहन रुखसाना घर से भागी थी, आपको याद है ना? अबे ये क्या कह रहा है, जो मैं भूलना चाहता हूँ तू उसे याद क्यों दिला रही है? दरअसल मैं याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन फिर से वही होगा। होता है तो होने दे, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार भागने वाली है आपकी बेटी बानो। सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी लड़के से प्यार करती है, ये बात उसने खुद मुझसे कबूली है। तू जो बोल रहा है क्या ये सच है? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये बात तूने किसी और को बताई है? ये बात सिर्फ हम दोनों को ही मालूम है। और कोई ना जाने, समझ गया ना? हाँ हाँ, ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। उसका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ, पुलिस स्टेशन में तुम इंस्पेक्टर पे ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम मेरे साथ में खड़े थे ना, इसी हिम्मत के साथ मैं उस पे चिल्लाने लगी। ये क्या, सहारनपुर वाले हमेशा मार धाड़ करते रहते हैं, बातों से काम नहीं निकालते? अभी मैं मजाक कर रहा था। जब देखो मजाक की बात। ऐसा नहीं है, अगर कल अचानक तुम्हारे घर से हमारे प्यार के बीच में कोई आया, तब भी तुम यही हिम्मत दिखाओगी? सच में दिखाऊंगी। अरे मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अभी फिर से मजाक नहीं। अरे मैं सहारनपुरी बोली सीख रहा हूँ। तुम एक काम करो, लाइब्रेरी में जाके आओ, मैं कैंटीन में वेट करता हूँ। ओके बाय। अच्छा ये बता, तेरी कुंडली में क्या है? घर वाले मना तो नहीं करेंगे? अरे वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या बात है, क्या डिस्कशन हो रहा है? इसके लव के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये इससे प्यार करता है पता है ना? ऐसे क्यों देख रही है, सची तो है ना? शादी कब करोगे, जब मैंने पूछा तो नहीं जानते बोल रहे। बस इतना ही ना, एकदम सिंपल है।
अभी कहाँ है? तू तो विद्यापीठ बनेगा गारंटी। अबे विद्यापीठ नहीं ज्ञानपीठ। यहाँ अभी कौन है? हाँ? मैं हूँ। क्यों क्या हुआ? मैं तुमसे छोटा हूँ, तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हें मारने में मुझे 3 मिनट लगेंगे। बताओ मुझ पे हाथ क्यों उठाए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूछता है क्या बिगाड़ा है? नहीं! जमीन में गाड़ दूंगा। हाँ आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उसे। चलिए ना। छोड़ो मुझे, मैं क्या कहूँ, छोड़ो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात मानिए। इसे मैं जान से मार डालूंगा। इसने मेरी इज्जत से खेला है। कौन हो तुम? मारपीट क्यों कर रहे हो? अबे बाप हूँ मैं इसका, ये बेटी है मेरी। तो उसके लिए तुम कॉलेज के अंदर घुसकर कॉलेज के छात्रों को मारोगे? नहीं चुप, ये पढ़ने के लिए नहीं आते। इसके तो मैं टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दूंगा। छोड़ दो मुझे। मेरी बात मानिए, आप यहाँ से चलिए। यहाँ पे गड़बड़ करना ठीक नहीं होगा। बात बिगड़ गई तो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। चलिए मेरी बात मानिए। नहीं अभी, ये बाप बेटी की प्रॉब्लम है। तेरा इनके बीच में पढ़ना सही नहीं होगा। आ, 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 आ,
अभी। आज इतनी देर क्यों हो गई? आज स्पेशल क्लास थी माँ। अभी क्या हुआ माँ? तुझे बानो मिली थी क्या? बड़े अजीब से लोग हैं वो। आज सुबह सुबह अचानक उसके अंकल और आंटी ने मकान खाली कर दिया। उनके गांव से यहाँ कोई आया था, उसी के साथ वो लोग चले गए। जाने क्यों, इतने दिनों तक तो अच्छी तरह से बात कर रहे थे उन्होंने, लेकिन आज मुंह ही नहीं खोला। कमीनी, इसी काम के लिए तुझे हमने घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा? तुझे मैंने घर से जाते समय इतना समझाया था, उसके बावजूद वही गिरा हुआ काम करके तू आज इस घर में वापस लौटी है। मैंने क्या किया है? मैंने उसे प्यार किया, ये गलत है क्या? क्या बोली? खबरदार अगर तुमने अपनी ज़बान खोली। तुम दोनों को मैंने उसके साथ क्यों भेजा था है? तुम दोनों नई नई शादी करके क्या हनीमून मनाने के लिए गए थे? क्यों री, ना तो तू औलाद जनने के लायक है और ना ही तेरा शोहर किसी के लायक है। जो इस बच्ची पर नजर नहीं रख सका वो तेरे पल्लू में छिपा रहता है। तू इस तरह से क्यों देख रही है? एक बात कान खोल के सुन ले, हमारे खानदान की बहु बेटियां बड़ों की इज्जत करती हैं, कहना मानती हैं। मैंने कहा मना किया? खामोश, अगर अब तूने जुबान खोली तो तेरी जुबान काट के फेंक दूंगा। ए मोहम्मद, मानो तू चल अंदर जा। तूने लड़की पर हाथ क्यों उठाया? ऐसा क्या हो गया? और क्या होगा, मना करने के बाद भी इसे पढ़ाई करने के लिए बरेली भेजा। पता है इसने वहां क्या किया? वहां जाके प्यार करने लगी है। हाँ, वो लड़का कौन है ये नहीं पूछा? 25 साल पहले मैंने इन हाथों से जिनका कत्ल किया था उन्हीं का बेटा। मैं जिस बात को भुलाने की कोशिश करता हूं वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती है। आज से ही पढ़ाई वगैरह इसकी सब बंद, और अगर किसी ने मेरी ये बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप बैठा है ना, इसीलिए मैं भी प्यार से दूर भागता हूँ। अब देख लिया ना, तू मेरी बॉडी बनाना चाहता है और खुद बॉडी बना के भी हार के बैठा है। जो होना था हो गया, अब बेकार में उसके बारे में क्यों सोच रहा है? इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट यू से? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारे कॉलेज के अंदर लड़कियों की कोई कमी है क्या? मैं चाहूँ तो एक ही झटके में लाइन लगा सकता हूँ। मेरे प्यार के बारे में तुम क्या समझोगे? शुरू हो गया भैया। ए, इतने गहराई से मत सोच यार। हाँ अभी मैं उसे समझा रहा हूँ ना। अरे यार, न जाने कितनी लड़कियाँ वैलेंटाइन डे के दिन कार्ड देती हैं और अगले साल उसी के हाथ में राखी बांध देती हैं। हाँ, करेक्ट, लाइफ इज समथिंग। तुम लोग जरा चुप रहोगे क्या? ए, चुप रहो ना। ठीक है, अब तूने क्या करने का सोचा है? उससे जाके मिलना चाहता हूँ। इतना सब होने के बाद भी मिलना चाहते हो? हाँ, और नहीं तो क्या। कुछ लोग प्यार करते हैं जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन इसने प्यार किया है अपनी जान की बलि चढ़ाने के लिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ए, क्यों, मैं नहीं सोच सकता? उन लोगों के डर से मैं चुप नहीं बैठूंगा, जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। उसके लिए तुमसे जबरदस्ती ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे साथ आओ, मैं अकेला उससे मिलने चला जाऊंगा। ठीक है, जा जा, ये समझाने से नहीं मानने वाला है, जब बीतेगी तभी समझेगा। मेरा तो दिमाग घूम रहा है, चलो एक काम करते हैं, कैंटीन में जाके एक एक कप चाय पीते हैं। ये हमारी बात सुनता नहीं है और अकेला निकल पड़ा है, अब क्या करें? तो ठीक है, हम भी चलते हैं। ए अभी रुक जा, हम लोग भी आ रहे हैं। मेरी
प्यारी माँ। इसमें कोई कमी नहीं है। कल तक तो तूने कुछ नहीं बताया था और आज एकदम से बोल रहा है स्टडी टूर न जाने कौन सा। हमारा कॉलेज तो ठीक है माँ, दूसरे कॉलेज तो प्रोजेक्ट के लिए जान निकाल देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इसकी बातों पे भरोसा नहीं है। तू चुप रह रहा था। ठीक है लाओ दो। आजकल मेरे पास। अच्छा ये बता, जब कुछ होगा तभी मेरी बात याद आएगी। ओ राधा ही थोड़ा चुप रहेगी। मैं तो चुप हो जाऊंगी। बस कितने बजे की है? अरे बस हमें सेट नहीं होगी माँ, हम सब लोग बाइक से ही जा रहे हैं। टूर के लिए जा रहे हो तुम सात लोग ही? हाँ। बेकार के चक्कर में पड़ रहे हैं। चलना। क्या कहा, चक्कर में पड़ रहे हैं? अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस में जाएंगे तो टाइम ज्यादा खराब होगा, ऊपर से तकलीफ होगी, क्यों चक्कर में पड़े इसलिए कह रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ माँ। तुझे लौटने में कितने दिन लगेंगे? जिंदा रहेगा तो आएगा ना। चुप करना। इस तरह से क्यों बोल रहा है? एक हफ्ता लगेगा लेकिन काम खत्म होते ही मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। राधा आई? अभी आई। तुम अंदर क्या कर रही हो? मैं जा रहा हूँ, तुम्हें हाय बोलना था। अरे बस मैं आ गई। क्या कहा तूने, सात दिन लगेंगे? अरे तू ये सब बातें छोड़ना, चलना तू भी बस। सारी गाड़ी चेक कर लिया ना? सब ठीक है, तू अपनी गाड़ी देख ले। मेरी गाड़ी भी चका चक है यार। ला अपना बैग दे। ये रहा। अबे देख क्या रहा है, ठीक से बांधना। अब बैठना यार। क्यों यार, सहारनपुर जाना जरूरी है? ऐसी की तैसी, चल बैठ। संभल के जाना बेटे। ओके बाय। हाँ चले। चलो ठीक है चलो। मैं कभी एक दिन भी उससे अलग नहीं रही। भेजने के बाद ऐसा सोचने से क्या फायदा होगा? देखो यार आराम आराम से गाड़ी चलाओ, अगर यहाँ गाड़ी खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों रे क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई। इस पनौती को अपने साथ क्यों लेके आया यार? इसी की वजह से हुआ है। अब उतारना नीचे। मैंने पहले ही कहा था ना कि गाड़ी मैं चलाता हूँ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देख लिया। हे वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है। क्यों यार, गाड़ी ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे लगता नहीं कि गाड़ी ठीक हो पाएगी। तभी मैंने कहा था कि इसकी गाड़ी मत लो, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी क्या? ए, चुप करो ना यार। इस वक्त इस बारे में डिस्कस करने के बजाय उस घर में जाकर रात गुजारने के बारे में कुछ इंतजाम करो। क्या कहा, उस मकान में जाके सोने की बात करें? ए, बस रात भर सोने के लिए तो हम उस घर पे कब्जा करने की थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। ए, तू इधर आना, तू जाके उस घर में पूछ रात में सोने की जगह मिलेगी क्या। सारे काम मुझे से करवाते रहना। ये क्या कह रहा? सिर्फ रात में सोने के लिए। हेलो कोई है? कौन है भाई? आ रही हूँ। हेलो। अरे कहाँ ना आ रही हूँ, जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। गुड इवनिंग सर। अरे तू कौन है? सर बरेली से हम सहारनपुर जा रहे हैं। तो जाओ ना, मुझे क्यों जगाया? दरअसल बात यह है कि हमारी एक गाड़ी खराब हो गई। हम कहाँ हैं, कौन से गांव में हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर सोने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए तो मैं और मेरे दोस्त रात में आराम करके सुबह चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पता नहीं उससे जाके क्या बात कर रहा है। सर हम लोग बहुत अच्छे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे सर। अरे बात वो नहीं है, घर के अंदर मेरी जवान लड़कियां सो रही हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर सोओगे और सुबह ये बात लोगों को पता चली तो हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। निकल लो यहाँ से। देखिए सर। निकल ले, निकलता क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, नींद खराब कर दी मेरी। लगता है आइडिया फ्लॉप हो गया है। ये तो ऐसे वापस आ रहा है जैसे घर खरीदने गया हो। हे तू अब कहाँ जा रहा है? वहाँ सामने के घर में लाइट जल रही है, वहाँ जाके पूछ के आता हूँ। क्यों, यहाँ क्या हुआ? इस घर में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, मर्दों के लिए सोने की जगह नहीं, बोल रहा है। तू मर्द नहीं है, बोल देना चाहिए था ना। अबे तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है ना, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाके पूछ के आता हूँ। ए रुक जरा, तू यहाँ अकेला गया था, वहाँ मैं साथ में चलता हूँ। जरा प्यार से बात करनी पड़ती है, रात गुजारने की बात है, मैं उससे बात करूंगा। तू खाली दरवाजा खटखटा। ठीक है। हेलो सर। अरे वाह। अरे भाई कौन हो तुम लोग? हम बरेली से सहारनपुर जा रहे हैं, रास्ते में हमारे। यार चुप रहना, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप आइए ना, आइए ना, आइए आइए, आराम से आइए। हाँ आराम से, हाँ आराम से आइए। दरअसल बात कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं क्या? शादी की उम्र की। अरे तुम लुंगी क्यों ऊपर कर रहे हो? रात में सोना है बस इसीलिए। तेरी तो ऐसी की तैसी। मार क्यों रहे हो? उसने से क्या पूछा? छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मार रहे हो? जब पागलपन की बातें करोगे तो मार तो खानी पड़ेगी ना। तुमसे किसने कहा था रात में उसके साथ सोने के लिए? अरे हम लड़कियों के साथ सोने की बात थोड़ी कर रहे थे। उसने तो लुंगी उठा ली, हमें क्या मालूम वो गुस्सा हो जाएगा। उसका चेहरा नहीं देखा? जाके लड़कियों में सोने की बातें कर रहा था। तू पहले अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक को दिखा, हम कहीं रूम देखते हैं।
एक काम कर, तू गाड़ी बेच के साइकिल खरीद ले। जरा वो एड्रेस देना। ला दिखा, और तू यहीं पे रहना। हम लोग इस एड्रेस का पता लगाकर शाम तक बानो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। ए, मैं भी साथ चलता हूँ ना। रहने देना यार, उस फैमिली में से अगर किसी ने तुझे देख लिया तो वो समझ जाएंगे तू किस लिए आया, प्रॉब्लम होगी। चलो यार, तू यहाँ बैठ के टीवी देखता रहे, तब तक हम लोग आ जाएंगे। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे छोड़ना यार, लगता है वो घर राइट में है। तुझे कैसे पता? ऐसे ही अनुमान लगाया। अंदर का घर तो दिख नहीं रहा, ये कंपाउंड वॉल इतनी ऊंची क्यों है? अरे बहुत बड़ी चार दीवारी बना रखी है। लगता है घर में कुत्ते घुस जाते होंगे या कोई झांकता होगा, इसीलिए इतनी ऊंची दीवार बनाई गई है। लगता है ये एंट्रेंस है। अबे पागल, ये ब्रिज है। अरे ये नहीं रे, वो देखना। अरे हाँ यार, रुक के देखते हैं। बहुत बढ़िया गेट है। गेट तो सुपर है, लेकिन कंपाउंड वॉल से कंपेयर करे तो छोटा है। ये क्या यार, एरो मार्क ऊपर की तरफ है। अगर कोई अंदर गया तो समझ लो वो सीधा ऊपर जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों रे लौंडो, तुम झांक क्या रहे हो? ये गेट देख रहे थे, बहुत अच्छा है, घर कैसा होगा सोच रहे थे। अंदर का ये घर भी बहुत अच्छा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना। हम तो खाली देख रहे हैं, खरीदने की बात थोड़ी कर रहे हैं। तुम सारे के सारे आए कहाँ से हो? ए हाथ रखना, मैं बहुत देर से सुने जा रहा हूँ, पता नहीं तू क्या क्या बोल रहा है। तूने क्या एरा गेरा समझा है? ए छोड़ ना यार, चुप रहना यार। ए एक दूंगा ना अभी खेल के। तेरी तो सारे बहुत बोल रही है। ए दोनों की चटनी बना के रखूंगा। तुम लोग कैसे दोस्त हो यार, मार खाने के लिए छोड़ के आ गए? बहुत बुरी तरह से मारा उस मौलाना ने। इसीलिए तो मैंने कहा था कि मुझे भी साथ लेके चलो। अब जो हो जाए, मैं तो बरेली वापस जा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं भी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, हम भी चलते हैं। क्या बोल रहा है यार, आखिर ऐसे क्या हो गया? मेरी बात मानो यार, एकदम से जाने का फैसला मत करो। कितना हुआ भैया? अब चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं रुकने वाला। ये चंदा कहाँ जा रहे हो यार? तुम लोगों ने मेरे साथ रहने के लिए कहा था ना, तू रुक जा यार। अभी, अरे तू यहाँ? अरे अभी मैं हूँ आंटी। देख लिया, एक ही झटके में पहचान लिया, यहाँ कैसे? कुछ नहीं आंटी, दोस्तों के साथ आया हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? वो दरअसल बॉम्बे से हफ्ते में एक बार एक डॉक्टर आया करते हैं, और उसका दवा खाना यहीं पर है, उसी से मिलने के लिए आए हैं। क्यों, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे शोहर को। हमारे बच्चे नहीं है ना, इसीलिए इन्हें। ये सब इसे बताने की क्या जरूरत है? तो अपना मुंह बंद रख। दरअसल मैं डॉक्टर आया कि नहीं देख के आता हूँ। हाँ। तो चुपचाप रहना। अच्छा ये बताओ आंटी, कुछ भी बताए बिना हमारा घर खाली कर दिया, क्यों? ओहो, ये एक बहुत बड़ी कहानी है बानो का। वहाँ कॉलेज के अंदर किसी लड़के से प्यार का चक्कर चल गया है, तो ये नहीं जानता है क्या? हाँ? हाँ? अरे ये तू क्या बोल रहा है, सारा कॉलेज ये जानता है और तू कह रहा नहीं जानता है। खैर छोड़ो, अगर तू जानता होता तो हमें वही बता देता ना, सच है ना? इसीलिए तो हम ये बात जान नहीं पाए। वो लवर यही है, ये नहीं जानती है। तो चुप रहना यार। आंटी बानो क्या कर रही है? और क्या करेगी, उसी लड़के की याद में बैठकर आज सुबह आ रही है, और उस लड़के को हमारे हाथ में जिंदा छोड़ेंगे क्या? उसे मुर्गा काटने जैसे काट के रख देंगे। हाँ, उसका नाम जान लेंगे तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, चुप करना। अब मैं क्या बताऊँ, ये बात सुनने के बाद तो हमारा कलेजा मुँह को आ गया। अगर वो भाईजान के हाथ में लग गया तो वो उसे काट कर फेंक देंगे। हमारे खानदान में कोई अगर ये प्यार की बात भी करता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, बेचारी बानो। अभी ये बहुत अच्छा हुआ कि तू आया, क्योंकि तू बानो का दोस्त है, तो उसे मिलके जाना, उसके साथ अगर दो बातें करेगा तो उसके दिल को तसल्ली मिलेगी। सही कहा ना? हाँ सही कहा। हाँ, चलो घर चलते हैं। है? इस समय नहीं, आज तो जुम्मा है ना। हाँ। मुझे भी नमाज के लिए जाना है, और उस वक्त घर में कोई भी आदमी नहीं रहेगा। 3 घंटे के लिए बाहर जाएंगे, उन 3 घंटों में तुम आ जाना। हाँ ठीक है, अभी तो उसी वक्त आ जाना, लेकिन आना मत भूलना, ठीक है? ओके। सुनिए डॉक्टर का क्या हुआ? उसका इस हफ्ते आने का कैंसिल हो गया, अगले हफ्ते आएगा, हम लोग भी 1 हफ्ते बाद आएंगे। एक हफ्ता बोल के 1 महीना निकल गया है, अगर ऐसा ही रहा तो बे औलाद ही। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं। आ जाना भैया। चल अपना सामान ठीक से रख ले। अच्छा अभी हम चलते हैं। मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ जाओ। हाँ क्या, और तू? मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। ये तू क्या बोल रहा है, तू क्यों चलने से मना कर रहा है? मैं बानू से मिलने जा रहा हूँ। क्या कहा, बानू के घर मिलने जा रहा है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, उस आंटी की बात नहीं सुनी क्या? टांग पे टांग रख के चीर डालेंगे, इसकी तो 1 आँख ही बंद हो गई। और मेरी भी। हाँ अंकल ने जो कहा सुना ना? क्या कहा? 3 घंटे तक उस घर में कोई आदमी नहीं रहेगा, यही बेस्ट चांस है, मैं बानू से मिल के आता हूँ। मिल के आएगा? मुझे नहीं लगता ये वापस आएगा। ये हमें भी भगाएगा। हम जानबूझ के कुएं में नहीं कूदेंगे। ओके बाय। हमेशा ही मनमानी करता है। ए चल तू पीछे बैठ।
अरे रुकना यार, हमारी बात तो सुनता नहीं, अकेले जाने देने के लिए हमारा मन नहीं मानता है। इसका मतलब उसकी मदद करेगा? ये भी बस, पहले ये भी मना करता है, उसके बाद ये सबसे आगे चलने लगता है, पागल जो है। तुम लोग यहीं रुको, मैं उससे मिल के आता। क्या तू अकेला जाएगा? ए तू साथ में जा। मेरी बाईं आंख बंद हो गई है। तो ठीक है तू जाना। मेरी दाईं आंख बंद हो गई है। ए, तेरी चारों आंखें ठीक है ना? तू चल चल। मैं चलूं? अरे सोच क्या रहा है, चल। अरे कहीं कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, चल। ए अभी जब वो लोग नमाज पढ़ के आ रहे होंगे तो हम सीटी बजाएंगे। ऐसे बजाऊंगा? ए चुप कर। अरे आना। एक मिनट रुकना, आता हूँ यार। क्यों क्या हुआ? मैं एक बार फिर से जाके उन सबसे मिल के आ जाता हूँ यार, कहीं मिल नहीं पाए तो। अरे यार तू कुछ मत सोच, चल। अरे मेरी बात मान लेना, कुछ नहीं होगा, चल। हे एटलीस्ट कॉलिंग बेल तो बजा देना यार। अरे यार जब दरवाजा खुला है तो बेल क्यों बजानी, तू चुपचाप रह के चल ना। हे तू तो ऐसे जा रहा जैसे ये तेरा ही घर हो। हाँ तो क्या हुआ, अपना ही घर है। अभी? हाँ? अभी आंटी। हाय 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 हाय, ये क्या तुम तो बाद में आने वाले थे ना, अभी आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं जा रहा हूँ। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, अचानक आ गए ना इसलिए। फ्रेंड्स के साथ मुझे वापस जाना है, सोचा कि जाने से पहले मिलता चलूँ इसलिए आया। बहुत अच्छा किया, तुम बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे। कौन? और कौन, नमाज जो पढ़ने गए हैं वो लोग। आंटी ये सचमुच का है क्या? अरे ये चीता है ना, इसका हमारे अब्बा ने शिकार किया था, उन्होंने हाथ में डंडा लेकर एक ही झटके में गिरा दिया, बहुत ही ताकतवर थे, अचानक इंतकाल हो गया, इसीलिए वहाँ फोटो लगाया, हाथों से मारा था। तो क्या उसके लिए तलवार उठाते हैं? हमारे खानदान के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, तलवार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर कहीं कोई दंगा हो जाए, इस्तेमाल करने के बाद एक बार फिर से। डर गया ना, चलो आओ तुम लोग बैठो। ए, ऐसे सोच क्या रहे हैं, चला ना। आंटी बानो। बानो? ए, 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 रुको रुको कमबख्तो, नमाज को जाए भी नहीं, उधम मचा रहा है, तू जा कहाँ रहा है? सलमा चाची मुर्गा काटने वाली है, वही देखने जा रहा था। ऐसे बोल रहा है जैसे कार्टून फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, अंदर जा, कल बकरा जिबा करेंगे तब वो देखना। अब जाओ। ठीक है तुम लोग आओ ना, आ जाओ आ जाओ। ये क्या बोल रही है, बस इस घर में मारने काटने की ही बात होती रहती है, दो गले और कटेंगे, एक मेरा और एक उसका, कंफर्म है। आ जाओ बानो। हाँ, अम्मी जान इसका नाम है अभी। हम बरेली में जिस मकान में थे ना, वो मकान इन्हीं लोगों का था, बानो का दोस्त है, ये बानो की दादी माँ है। नमस्ते। ये बानो की माँ है। नमस्ते। सलाम अलैकुम। बिल्कुल अपने से लग रहे हो। अभी बानो, बानो अभी। अभी मुझे यहाँ से ले जाओ, अभी मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, I miss you अभी। रो नहीं बानो, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा, चिंता मत करो, रो नहीं, रो नहीं, मैं वापस आऊंगा, तुम रो नहीं। बानो तुम जिससे प्यार करती हो वो लड़का यही है। I love you अभी। ये क्या किया मैंने, ये क्या किया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो ये जानती ही नहीं थी। बानो तुम इधर आओ। नहीं दादी माँ, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अल्लाह रहम करना। अभी उसे छोड़ दो। क्या किया बेटी, देखो बेटे सबसे पहले तुम यहां से चले जाओ,
देखिए मैं इससे मिलने के लिए आया हूँ। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे लिए आफत होगी। उनके नमाज से आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। आफत होगी? कैसी आफत होगी? अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। वो भला मुझे क्यों मारेंगे? वो सब बातें छोड़ो, तुम यहाँ से जाओ। अरे बाप रे, अभी लगता है वो लोग नमाज से आ रहे हैं। सीटी बजाइए, चलना चलना यार। ए, एक मिनट रुकना, वो लोग पहुँचने वाले हैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे वो पहुँचने वाले हैं यार, चुप रहना यार। ये मुझे भी वो कौन होते मुझे मारने वाले? चलना यार अभी। अरे तुम जल्दी जाओ। नहीं आंटी, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं ये जाने बिना मैं नहीं जाऊंगा। तू चलना यार। वो सब जानने का ये वक्त नहीं है, मेरी बात मानो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। ए, छोड़ना, कारण जाने बिना नहीं जाऊंगा। जो भी जानना चाहते हो अपनी माँ से पूछ लो। अल्लाह के वास्ते बेटे जल्दी चले जाओ। चलना। ए, तू चुप रहना, मेरी माँ से पूछू, मेरी माँ कैसे जानती है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ बेटे जल्दी जाओ। भी जल्दी चलिए यार, वो लोग पहुंच गए। टूर कैसा रहा बेटी? मोहम्मद खान को जानती हो माँ? अब्दुल गफार खान। क्यों रे, गांधी जी और नेताजी की तरह उनके बारे में पूछ रहा है, वो लोग हैं कौन? सहारनपुर में जो थे वही। वो लोग तुम जानती हो? वो लोग तुम उन्हें कैसे जानते हो? मैं उनके घर गया था, बानो उसी घर की है, वो मोहम्मद खान की बेटी है। अभी? और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उनके घर दोबारा गया तो वो मार डालेंगे। जब कारण पूछा तो आपसे पूछने के लिए कहा। उन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? माँ तुम ऐसे चुप क्यों? बेटे तू बानू से प्यार करता है क्या? हाँ। मत कर बेटी, तू उसे भूल जा। किस लिए? बड़े लोग दुष्ट लोगों से दूर रहने के लिए बोला करते हैं, क्यों ये नहीं बताते? वो दुष्ट लोग कौन है माँ? उस घर के लोग, वो अच्छे लोग नहीं है बेटे। प्यार मोहब्बत की बातें वो लोग नहीं समझते हैं। बड़ी बेदर्दी से दो प्रेमियों का कत्ल कर दिया, वो भी अपना ही खून। ये सच है बेटे, उस परिवार की एक बेटी ने गैर जाति के लड़के से प्यार करके घर से कहीं भागकर शादी कर ली। उस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इस वजह से शादी के 2 साल बाद हमारा बेटा आज 1 साल का हो गया है ना? कम से कम आज के दिन अगर मेरे घर से कोई आया होता तो कितना अच्छा होता ना। तुम जो बोल रही हो सही है रुखसाना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? घर वालों के खिलाफ होकर हम दोनों ने भागकर शादी की है, अब कौन आएगा? लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज नहीं तो कल मेरे घर वाले हमें अपना कर हमें साथ ले जाने जरूर आएंगे। कौन है अभी आई? सुनिए आप बच्चे का ख्याल रखना। अब्बा जान, भाई जान, जरा देखिए ना कौन आए हैं। क्यों, कौन आया है? अभी आता हूँ। अब्बा अंदर आइए ना। बेटे पप्पू तुम यहीं खेलते रहो, मैं अभी आता हूँ। ओ अब्बा जान आए हैं, बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं। बैठिए अब्बा जान। क्यों रे, तूने मेरी बेटी को गुमराह करके उसे शादी की? अबू
जो होना था वो हो गया, मेहरबानी करके भूल जाइए। और आज आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। बेटे का? तुम्हारे भागने पर पूरी बिरादरी में हम लोगों की नाक कट गई। हम लोगों को जलील करके तू यहाँ अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? देखे, मेरी बीवी से ऐसे बात मत कीजिए। तेरे मिलने से पहले वो मेरी बेटी थी, उसके बाद तेरी बीवी। अब्बू, आवाज नीचे। तुझे कुरान पढ़ाया, दीन की बातें समझाई, बुर्का पहनकर तू किसी ईसाई से मोहब्बत करने लगी, वो हमसे भी भड़के हो गया। अब्बू, मेहरबानी करके हमें छोड़ दीजिए, आप हमारे प्यार को नहीं अपनाएंगे, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब्बू, सब लोग बच्चों के भविष्य को महत्व देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की इज्जत को महत्व दिया। इसीलिए कह रही हूँ, उस परिवार से रिश्ता मत जोड़ बेटे। ओहो, तुम भी बस। इन सब का कारण क्या था? वो घर से भाग के आई, ये उसकी गलती थी। मामला प्यार से समझाना चाहिए था ना। मैं वैसा नहीं हूँ, इधर देखो इन आंखों में। फेस टू फेस उस घर में बात करके मैं शादी करूंगा, अगर वो मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो जानती हो ना, पहले समझाता हूँ नहीं तो बाद में मारता हूँ। बात बात में तलवार उठाने वाले लोग हैं वो। तलवार वगैरह उस जमाने की बात है, आज नहीं। मैं उनके घर गया था ना, मेरा क्या बिगाड़ लिया? बात सुनो माँ, ये सारी बातें मार धार से नहीं सुलझती हैं। किस्मत अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ में जिगर होना चाहिए। यानी तू उसे भूलने वाला नहीं है? वो मेरा प्यार है माँ, कोई अपना प्यार भुला सकता है क्या? इसका मतलब प्यार की खातिर तू अपनी माँ को भुलाएगा? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? 25 साल की ममता को जब 2 महीने के प्यार ने कमजोर कर दिया तो कैसे विश्वास करूं? मान जा बेटे, इस माँ की बात मान ले, तू उसे भूल जा बेटे। आज तक मैंने तुमसे जो भी मांगा वो सब तुमने मुझे खरीद के दिया, लेकिन आज के दिन मैंने अपना प्यार मांगा तो मुझे मना कर रही हो। तेरी ये जिद तुम दोनों के प्यार की बलि चढ़ा देगी बेटे। तुम भी उनकी तरह क्या मार डालेंगे बोल रही हो? जीना मरना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता है माँ। ये तो जवानी के जोश में बोल रहा है, मेरा दर्द तू भला कैसे समझ पाएगा? मौत के बारे में इतनी आसानी से बातें करता है। तुझे अगर मैंने खो दिया तो अपना बेटा कहने के लिए किसी और अनाथ को मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अनाथ? ये अनाथ तुमने किसे कहा? तुझे ही। तू मेरा बेटा नहीं है। अब्दुल गफार ने जिनका कत्ल किया था ना, पति और पत्नी का, वही तेरे माता पिता थे और उनका वो बेटा तू ही है। उस वक्त तुझे अपनाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। बच्चे के भविष्य के लिए मदद करने बहुत सारे लोग आए, और आज सुबह भी ऑटो ड्राइवर के एसोसिएशन ने एक दिन की कमाई बच्चे को देने के लिए कहा है। अभी तक करीब 3,21,000 रुपए कलेक्ट हुए हैं, लेकिन बच्चे को गोद लेकर पालने पोसने की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। उस बारे में सोचना होगा। उस बच्चे को मैं पालना चाहती हूँ। तुम? वो भी इस हालत में? ऐसा मत कहो जानकी, तुम्हें खुद दूसरे की मदद चाहिए, और ऐसे में तुम उस बच्चे को पालोगी? भैया, जीवन में जब कोई जिम्मेदारी आती है तभी कुछ नया करने की इच्छा हमारे मन में जागती है। ईश्वर ने मुझे लड़की बना के जिंदगी तो दी, साथ ही अपाहिज बनाकर माँ की ममता से मुझे गुमराह कर दिया। अगर तुम मान जाओ तो उस बच्चे की वजह से कम माँ बनने का सौभाग्य तो मिलेगा। ठीक है बहन। अगर तू उसी गाँव में रहता तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते। इससे कहीं तेरा भविष्य न बिगड़े सोचकर सहारनपुर से मैं बरेली आ गई। तब से 25 साल कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। आज तेरे प्यार की वजह से
उनमें फिर से बदले की भावना जागी है। उस लड़की से केवल प्यार भर करने की वजह से हमारे घर की सुख शांति छिन गई। ऐसे में अगर तूने शादी कर ली तो हमारी जिंदगी भी छिन जाएगी। अभी इस वक्त कहाँ जा रहा है? सहारनपुर। उनसे बदला लेने के लिए? हाँ। आज तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। जन्म देने वाले माँ और पिताजी का बड़ी क्रूरता से कत्ल कर दिया, ये बात जानकर किसी भी बेटे के अंदर बदला लेने की भावना तो जागेगी ही बेटे, और वही तुझ में जागी है। तू यहां से वहां जाएगा और जाकर उनका खून करेगा, और उसके बाद खूनी की तख्ती गले में लटकाकर जेल भी जाएगा, और तभी शायद तेरा प्रतिशोध पूरा हो। लेकिन मैं क्या करूंगी? जब तू ही नहीं रहेगा तो ये अपाहिज कैसे जिएगी? पता नहीं किस जन्म का पुण्य था जो मेरी इस हालत में भी, जो सौभाग्य किसी को नहीं मिलता, वो माँ का स्थान तेरी वजह से मुझे मिल पाया। वो सौभाग्य मुझसे मत छीन बेटे, मत छीन। अगर तुझे पेड़ी रही तो तेरी पुप्पी की तरह तेरे अब्बा जान तुझे भी मार डालेंगे। और ये सब देखने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ना मेरे बदन में जान है और ना ही जीने की कोई चाह है। अगर तुझे कुछ हो गया तो रोने के लिए आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं होगी। बेटी, तू उसे भूल जा। ये नहीं हो सकता, मैं भूल के भी उसे नहीं भुला पाऊंगी दादी माँ। नमस्कार, आज हमारे कॉलेज के मदर्स डे फंक्शन में आप सबका स्वागत है। साधारण तौर पे मदर्स डे किसी कॉलेज में मनाया नहीं जाता है, लेकिन हमारे कॉलेज में मदर्स डे इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये सभी मदर्स को अच्छा लगेगा ऐसी हमें उम्मीद है। वैलेंटाइंस डे, पेरेंट्स डे, इस तरह के कई सारे ओकेशन हम लोग कॉलेज से बाहर रहकर मनाया करते हैं, लेकिन इस मदर्स डे का आइडिया दिया हमारे कॉलेज का सबसे होनहार आर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी अभी ने। 5 मिनट और वेट करो, आ जाएगा। हमारे अगले जो कार्यक्रम है, क्या बोलूं? वो है, हमारा अगला कार्यक्रम ये है कि हमारे आर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी मिस्टर अभी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आज मदर्स डे है। माँ के बारे में बोलने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। करीब 20-25 साल पहले की यह कहानी है। सहारनपुर में रुखसाना नाम की एक लड़की ने जोसेफ नाम के एक लड़के से प्यार किया।
और दोनों ने घर से भागकर रजिस्टर मैरिज कर ली। लेकिन 2 साल बाद उसके बाप ने उनके घर जाकर उन दोनों को मार दिया, खून कर दिया। उन दोनों का एक बेटा था। माँ बाप के मरने के बाद वो लड़का अनाथ हो गया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, मैं हूं। लेकिन इन्हें देखकर आप लोग आश्चर्य मत होइए, मेरी माँ है। इन्होंने मुझे जन्मा नहीं, फिर भी ये मेरी माँ है। शादी होते ही ये बेचारी विधवा हो गई थी और मुझे अनाथ को, जब मुझे अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, ना ही कोई मुझे पालने को तैयार था। लेकिन कई लोगों ने मेरी सहायता की, ऑटो ड्राइवर, मजदूरी करने वाले, ऐसे कितने ही लोगों ने। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे दिया करते थे। वो कौन थे, वो आज कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन सच में मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पिताजी क्रिश्चियन थे और मेरी माँ मुस्लिम। इन्होंने अपाहिज होकर भी मेरी जिंदगी बचाई। जब किसी ने मुझे नहीं अपनाया तो इसी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरी असली माँ नहीं है। सारे दुख अंदर संभाल लिए। लेकिन ये जानने के बाद मैं क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। इस माँ की मैं पूजा करूँ या सम्मान करूँ या इन्हें धन्यवाद कहूँ, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब आज का दिन आया, मदर्स डे, इनके बारे में बताने का अच्छा मौका है, ये सोचकर आप सबको बता रहा हूँ। आज हमारे समाज में न जाने कितने ही लोग अपने बच्चों को दूर कर देते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक दिन भी अपने से दूर नहीं किया। अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों पर खुशी लुटाना, वो भी आज के समाज में, इनकी ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया। शी इज रियली ग्रेट। सब लोग माँ की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, सातों जन्म में तुम्ही माँ बनना, ऐसी मन्नते मांगते हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये नहीं है। ऐसी माँ सबको मिलनी चाहिए ताकि कोई भी अनाथ ना रहे। मन में चाहे कोई गम हो या खुशी हो, जबान से जो बयान ना होता हो वो आंसू बयां कर देते हैं। ये बात आज सच हो गई है। अभी मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा नहीं, ये ईश्वर का वरदान है। अभी के जैसा बेटा पाकर भले ही मैं अपाहिज रही, लेकिन मेरा जीवन सार्थक हो गया। आज के समाज में माँ बाप बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं, लेकिन मेरी माँ ने कभी तो भी वही अंकल जो हमारे घर आए थे। अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों पर खुशी लुटाना, वो भी आज के समाज में, इनकी ये बात मेरे लिए। चाची तुमने टीवी क्यों बंद कर दी? टीवी ऑन करो ना चाची, प्लीज चाची ऑन करो ना चाची, प्लीज चाची। चुप कर, क्या बोलते जा रहे? अंकल को देखना है, ऑन कीजिए ना चाची, प्लीज चाची ऑन करो। वो कुछ कुछ भी नहीं। ऑन करो। ए इधर आ रहे। ये हमारे घर आया था? जी हाँ। नहीं 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 नहीं। ये आया था क्या? जी हाँ। ये तू जानती थी? जानती थी या नहीं? जानती मोहम्मद। नहीं अम्मी जान, कुछ मत बोलना। तू बता, वो यहाँ क्यों आया था, किससे मिलने
और क्या करने के लिए? माफ कर दीजिए भाईजान, दरअसल मैंने ही उसे घर पर बुलाया था। हाँ, लेकिन यही वो लड़का है जो बानू से प्यार करता है। अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। हम बरेली के जिस मकान में थे वहाँ ये लड़का निचली मंजिल में था, बानो का दोस्त। सोचा वो बात करने आया है, इसीलिए आने को कहा। ये भी वही थे जब बात कर रहे थे, पूछ लीजिए। हमारे खानदान ने तुझ जैसे नामर्द से शादी करा के बहुत गलती की है। सबसे पहले तुझे कत्ल कर देना चाहिए। जिस घर में रहते हो उसी घर के लड़के से प्यार करने के लिए छोड़ दिया और तू अपनी वहाँ आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तू कहाँ जा रहा है? आज तक हम हमारे खानदान की इज्जत आबरू को बचाते आए, लेकिन आज इस लड़के की वजह से फिर से इज्जत दांव पे लगी है। तू अपनी कौन सी इज्जत की बात कर रहा है? आज से 25 साल पहले तेरा अब्बा बेटी का खून करके जेल चला गया, उसका इंतकाम तो पूरा हो गया, लेकिन मेरा क्या हुआ? तू भी 14 साल तक जेल में चक्की पीसता रहा, हमारे बारे में कोई चिंता नहीं की, इसी को तू अपनी इज्जत बोल रहा है? हाँ, आज तू भी वही काम करने जा रहा है, और अगर कल तू भी मर गया तो इस घर में सिर्फ बेवा औरतें ही रहेंगी। उस वक्त तू ये जो इज्जत बोल रहा है उसका अचार डालेंगे। तो उसके लिए हमारे खानदान के इज्जत लूटने वाले को जिंदा छोड़ने के लिए बोल रही हो? पहले तू अपना गुस्सा थूक दे। ये तुम क्या बोल रही हो? जिनकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिली, उन्हीं के लड़के से संबंध जोड़ने के लिए बोल रही हो? अगर मैं इसे ना जोड़ने दूं, बानू। हाँ बेटी, इधर आ। जी दादी माँ। तू उसे भूल जाएगी, अपने अब्बा को जबान दे। हाँ दादी माँ। हाँ बेटी, प्यार जो होता है वो सिर्फ जीने के लिए नहीं होता है बेटी, कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ठीक वैसे ही अपने प्यार की कुर्बानी दे दे बेटी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अगर प्यार को अहमियत देगी तो खून की नदियां बहेंगी बेटी। जरा सोच के देख, तू अगर मान जाएगी तो सिर्फ तेरा भविष्य ही नहीं, तेरी माँ का भविष्य भी संवरेगा। की कसम खा के बोलती हूँ, उसे भूल जाऊंगी। चारों तरफ ढूंढ लिया, बानो कहीं भी नहीं मिली। अब क्या बोलोगी अम्मी जान? आफताब, हमारे लोगों को इकट्ठा करो, वो कहां गई होगी मैं जानता हूं। सुनो बेटे, जल्दबाजी नहीं। नहीं अम्मी जान, आज तक तुमने जो भी कहा मैं सुनता आया, आज मैं बोलूंगा और तुम्हें सुनना होगा। 25 साल पहले जब रुखसाना घर से भागी थी तो अब्बा जान ने फैसला सुनाया था, और आज ये भागी है, मैं फैसला सुनाऊंगा। दादी माँ, बानू बाजी के कमरे से ये लेटर मिला है।
भज कर पूजा होने के बाद तू तो मुझे कुछ बताने वाला था, क्या बात है? माँ, मैं सहारनपुर होके आता हूँ, बानो से मिल के आता हूँ। अभी? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बानो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी मुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान हो रही होगी, लेकिन वो नहीं जानती ये शादी नहीं होगी। ये तो क्या बोल रहा है बेटी? हाँ माँ, इस दुनिया में तुमसे जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है माँ। अचानक जिंदगी में ये प्यार आने से ना तुम्हें शांति मिल रही है और ना उसे शांति मिल रही होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, मुझे वो प्यार नहीं चाहिए। उसने मुझे अपने दिल में बसाया है और अगर मैंने उसे ये नहीं बताया तो ये उसके साथ धोखा होगा, और मैं जानबूझ के किसी को धोखा नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं उससे मिलकर उसे कहूंगा कि वो मुझे भूल जाए। ओ बानो, तुम हो, आओ बेटी अंदर आओ। अभी घर में है क्या? नहीं है, वो माजी को अपने साथ मंदिर ले गया है। अभी दोबारा तू यहाँ क्यों आई? तू नहीं चाहती है कि हम लोग अच्छे रहें? तू क्यों इस तरह से अभी के पीछे पड़ी है? प्यार करने वाले कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फिर? मैं घर से भाग के आई, ये सच है, मेरी अभी से शादी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो अब्बा दोनों को मार डालेंगे, क्योंकि ऐसा हमारे खानदान में पहले हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार के कारण दोबारा ऐसी गलती हो। लेकिन मैं मौत के डर से ऐसा बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने अपने प्यार के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए उनका प्यार भी उनके साथ मर गया। लेकिन हमारा प्यार मरना नहीं चाहिए, हम दोनों दूर रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्यार नहीं मरना चाहिए। चाहे मैं दूर रहूं, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी, तुम भी मुझसे प्यार करते रहोगे, जानती हूँ। ये बोलने के लिए ही मैं आई हूँ। बानू, जो कुछ भी तूने हमसे कहा वही बात अभी तुझसे बोलने वाला था। इसने तुमसे प्यार किया, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों के मन में एक ही सोच है, एक ही विचार है, एक ही निर्णय है, लेकिन इसके बावजूद तुम एक नहीं हो सकते। अगर एक और जन्म मिला तो सच में तुम दोनों को मिलाकर मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। अब्बा, मेरी बात तो खामोश। अपनी दादी को जबान देने के बाद भी तू यहाँ आई है मर्दू? सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं, वो यहाँ आई है। तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी वजह से ही आज इतना सब कुछ हुआ है। अभी अब्बा मुझे छोड़िए। Hey!
अम्मी जान अभी बेटे नहीं चुपचाप क्यों हो गया? यहाँ सबको मारने आया था ना, मार डाल। तुम्हें लोगों का खून बहाने का बहुत शौक होता है ना बेटे। तुम जैसा सोच रहे हो, तुम्हारी बेटी यहाँ जो आई है वो अभी से शादी करने के लिए नहीं आई है, तुम्हारे घर की इज्जत के लिए, वो अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए आई है। ये सब तेरी समझ में कहाँ आएगा? खून बहाना, कत्ल करना, यही तू जानता है, क्योंकि ये तुम्हारी इज्जत है। ये किस इज्जत की बात करते हैं? इनके बाप बेटी का कत्ल करके फांसी पर चढ़ गए और आज ये अपनी बेटी को मारने चले आए। अगर मैंने अभी को नहीं रोका होता तो आज तुम्हारा ही खून तुम्हें मारकर अपने माँ बाप का बदला लेता। बेटे, ये दोनों हमसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी अपने प्यार की कुर्बानी देकर हमसे बड़े हो गए। अगर तू वाकई अपने बड़ों की इज्जत करता है तो इन दोनों को आपस में मिला दे बेटे। हम भले ही ना चाहें, लेकिन ऊपर वाला शायद इन दोनों को मिलाना चाहता है, तो उसके काम में हम क्यों रुकावट डालें? मान जा बेटे, ये गुस्सा थूक दे बेटे, इस बूढ़े की भी इच्छा यही है। अपने माँ बाप की खुशी के लिए ये दोनों के दोनों कुर्बानी देने चले हैं, तुझे भी अपना दिल बड़ा करके इनकी खुशी के लिए इन्हें अपना ले, यही खुदा की भी मर्जी है। अभी हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। बानो इधर आओ।